press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. सबसे पहले तो हमारे तमाम दर्शकों को उनके सबसे चहेते और उनके अपने प्रदीप पांडे चिंटू की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम और सलाम भाव। और आज हम लोग दूसरे साल फिर से आज हम लोग यहाँ पर आए हैं, जिसका नाम है ग्रीन सिनेमा अवार्ड। ये एकमात्र अवार्ड है जो संदेश देता है, जो मैसेज देता है कि गो ग्रीन, जो कि बहुत ज़रूरी है इस वक्त हमारे सब के लिए, हमारे वातावरण के लिए भी। और उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये अवार्ड समारोह का, ये अवार्ड फंक्शन का आयोजित करते हैं। जो इसके ऑर्गेनाइज़र हैं, जो इसके कर्ता-धर्ता हैं, हमारे विजय पांडे जी, मैं उन्हें और इस विजय पांडे जी से जुड़े और इस अवार्ड फंक्शन से जुड़े जितने भी लोग हैं, सभी लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं कामना करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये अवार्ड फंक्शन, ग्रीन सिनेमा अवार्ड, हर साल और बड़ा होता जाए और फले और फूले और भी लोग इससे जुड़ते जाएं। और अच्छा लगता है जब आपके काम को जब सराहा जाता है, जब आपके काम को दुनिया के सामने सम्मानित किया जाता है, तो बहुत खुशी होता है। आपको लगता है कि अब और अच्छा मेहनत करना चाहिए और बढ़िया काम करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच ग्रीन सिनेमा अवार्ड और इससे जुड़े सभी लोग। हाँ, अभी हम लोग जस्ट अभी हम लोग लेवल पे दोस्ताना हमने किया 2020 में, लेकिन दोस्ताना के बाद अभी जो हम लोग की हमारी जो फिल्म आ रही, जिसका नाम है ससुरा बड़ा सतावेला और इश्क, तो दोनों फिल्म आप लोग ज़रूर देखें। दोनों बहुत ही बेइंतहा खूबसूरत फिल्म है। ससुरा बड़ा सतावेला में पूरी तरह से बहुत टाइम बाद राजकुमार सर के डायरेक्शन में ये फिल्म बनी है। राजकुमार पांडे जी जो कि बहुत ही बेहतरीन हमारे डायरेक्टर रह चुके हैं, भी और बहुत अच्छी अच्छी फिल्में लेके भी आ रहे हैं। और देवरा बड़ा सतावेला, सात सहेलियाँ, बहुत सारी फिल्में, जिना तेरी गली में, ट्रक ड्राइवर, बहुत जितनी भी खूबसूरत और बड़ी बड़ी हिट फिल्मों के निर्देशन कर चुके हैं। तो फिर से वो दो साल बाद उन्होंने फिर से निर्देशन किया है इन दोनों फिल्मों का, और हम दोनों की कमाल की और खूबसूरत केमिस्ट्री आप सबको इन दोनों फिल्मों में नजर आने वाली है। आप दोनों से सवाल है कि कोरोना के दौरान किस तरह आपकी लाइफ रही है और किस तरह 2021 में शुरुआत करने वाले हैं, कुछ अपने दर्शकों को बताना है कि कोरोना के दरमियान आप किस तरह अपने घर से, किस तरह माहौल में रहे। 2020 तो मेरे लिए बहुत यादगार रहा, हम सभी के लिए, यह सब कुछ सबके लिए रहा और बहुत चैलेंजिंग रहा। और जैसे 2020 गुजरा है और 2021 में हम लोग एंटर किए हैं, तो हमारी बहुत सारी उम्मीदें और बढ़ गई है। एंड बस जो जंग हम लोग कोरोना के खिलाफ लड़ के जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं, सबसे पहले तो सभी को बहुत बहुत बधाई। और जितने भी लोग हैं, सभी लोगों ने कोरोना के खिलाफ, महामारी के खिलाफ जो जंग लड़ा है, सभी लोग एक साथ होकर समझ और बूझ के साथ, तो सबको बहुत बहुत शुक्रिया, सबका दिल से थैंक यू। हाँ, और 2021 में आप सबको बहुत कुछ नया, बहुत कुछ अनोखा और बहुत कुछ अच्छा मिलेगा, क्योंकि ये 2020 हम सभी के मनुष्य जीवन में बहुत कुछ सिखा कर गया है, बहुत कुछ दे कर गया है, बहुत कुछ ले कर भी गया है। हमने बहुत 2020 सिनेमा इंडस्ट्री के लिए बहुत, अगर मैं कहूँ तो बहुत ही एक दागपूर्ण साल रहा है, क्योंकि इस साल ने हमसे कई रत्नों को, कई महारथियों को हमसे छीना है। तो मैं विनम्रतापूर्वक मैं सबसे पहले तो उन सभी महान लोगों का, जैसे इरफान खान साहब, ऋषि कपूर साहब, और भी कई बड़े नाम हैं जिनको हम सब लोग बहुत दिल से मानते थे, बहुत दिल से प्यार करते थे, बहुत दुखद रहा है उन सभी के लिए। तो उन सभी के लिए मैं पहले सबसे पहले तो शोक जताता हूँ और मैं कामना करता हूँ कि ईश्वर उन सभी की आत्माओं को अपने शरण में जगा दे और 2021 हम सब के लिए एक नया सवेरा लाए और सभी लोगों के जीवन में एक नई खुशहाली लाए। थैंक यू सो मच। जी केसरी जी है, पवन जी है, इतना बड़ा अवार्ड होने के बाद।
press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.